सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। इस वाले वीडियो के अंदर हम एक 3D बबल एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बनाना सीखेंगे जो कि इंटरनेट के ऊपर पेड मिल जाता है आपको। तो आप अगर पेड लेना चाहते हो तो आप पेड ले सकते हो, या तो फिर इस मेथड को अपना कर, इस मेथड को आप यूज़ करके आप एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड क्रिएट किया है, इस तरह से आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ये फोटोशॉप की तरफ बढ़ते हैं, लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट A4 साइज में। मैं इसका रिजोल्यूशन रखूंगा 120 पिक्सल्स अभी के लिए और क्रिएट कर दूंगा एक न्यू डॉक्यूमेंट। इस बैकग्राउंड को बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप मैन्युअली ग्रेडियंट आप क्रिएट कर सकते हैं आपके ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में जाके, या तो फिर आप रेडीमेड ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड गूगल के अंदर सर्च किया है, ये वाली इमेज मैंने सिलेक्ट की है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जस्ट यहाँ पे कॉपी कर ले इमेज को, देन आपके फोटोशॉप में जाके आप इसको पेस्ट कर ले। यहाँ पे एक सिंपल सा बैकग्राउंड आपको ग्रेडियंट में मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, बबल इफेक्ट बनाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा ब्लर करना है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे ब्लर मेनू में ब्लर ऑप्शन में जाऊँगा, गॉशियन ब्लर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अप्लाई कर दूंगा। देन मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मॉक टूल ले लूँगा, इलिप्टिकल मॉक टूल। देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि कंट्रोल जे करके मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और ये आपको इस तरह से दिखेगा। एक थोड़ा सा बबल टाइप तो लग रहा है, लेकिन हमको अभी इसको थोड़ा सा लुक देना है कि ये एक बबल की तरह पे लग गए। ये इफेक्ट करने के लिए फ़िलहाल आपको जाना है फिल्टर मेनू में डिज़र्ट, और ये फ्राइज वाला ऑप्शन जो है इसको आपको क्लिक करके यहाँ पे 100% पे रख देना है। ओके, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइक थोड़ा सा ये सर्कल के अंदर कर लेता हूँ इसको। देन आपको इसके मल्टीपल कॉपीज़ आपको बना लेने हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके इसकी एक और एक कॉपी बना लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर एक थोड़ा सा ग्रेडियंट क्रिएट करूँगा। आप चाहो तो सिंपली उस तरह का बैकग्राउंड आप फिर से डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ, ग्रेडियंट के अंदर जा कर के मैं यहाँ से ये कलर को पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। देन मैं सेकेंड वाला जो कलर है उसका, उसको ये थोड़ा सा पिंकिश जो कलर है उससे ये यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखना इस प्रोसेस को, काफ़ी आसान प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो आपके जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट है, आप एक बार अप्लाई करके देखो। आप काफ़ी अच्छा इफेक्ट है और काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं प्रेस कर दूंगा यहाँ पे ओके पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डेप्थ क्रिएट करूँगा इस वाले लेयर के, हर एक बबल के बैकग्राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करूँगा ताकि दिखने में और भी क्लियर दिखे और क्लीन दिखे। तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, न्यू लेयर क्रिएट करना है। देन आपको इसको ड्रैग करके इसके नीचे लेकर आना है, ब्रश टूल लेके आपको सिंपल सा एक थोड़ा सा शैडो क्रिएट करना है। आप ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज करके यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट करूँगा। आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे कलर पिक कर सकते हैं, या डार्क शैडो आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली डार्क कलर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट किया है, यहाँ पे 80% यहाँ पे मैंने इसका ओपेसिटी रखा हुआ है, और फ्लो इसका मैं यहाँ पे 50% रख देता हूँ। और सिंपली आपको इसके बैकग्राउंड के अंदर एक थोड़ा सा डेप्थ ऐड करना है। तो ये काफ़ी सिंपल सा इफेक्ट है, आप इसको ट्राई कर देना प्लीज़। देन ये थोड़ा सा लग रहा है कि एज अ बबल इफेक्ट बैकग्राउंड के अंदर तैयार हो चुका है हमारा। तो इसको सिंपल और भी अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख दूंगा। देन इसको मैं एक प्रॉपर्टीज में जाके इसका कलर में थोड़ा सा वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से आप आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाला इफेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपने बनाया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करना ना भूलें। मैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ आपको, चाहो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली टैग कर सकते हैं।
ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से मुझे कॉपी करके या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप जाके कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से आप आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और हो सके तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो एक बार जाके देख लीजिए, मैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।